का। ना वही के बाप याद का अंजाम। मैं आज आपको यह भी बता दूंगा इस खिताब के जरिए कि 9 मई इमरान खान जेल में था। 9 मई इमरान खान या पीटीआई के लोगों ने नहीं किया, 9 मई फौज आईएसआई ने कॉन्स्पिरेसी तैयार की थी पहले से कि ये करेंगे, फिर लोगों के सामने रोना रोएंगे कि शहदा की बेइज्जती कर दी शहीदों के, और ये कोर कमांडर घर पे हमला कर दिया, कायदे आजम हाउस पे जिसे कायदे आजम हाउस कहा जाता था, यही तो फौज थी। तो अब पीटीआई के लोगों क्या कहते हैं कि ये तो नौजवान जो है ये अच्छा भाई, इन्होंने पीटीआई के लोगों ने कोर कमांडर के घर पे हमला किया, पीटीआई के लोगों ने शहादत की तस्वीरें उठा के मोनोमेंट्स उठा के वो तोड़े, उनकी बेहरमती की, या आप कहते हैं ना कि नौजवानों ने, तो भाई आप उनको फांसी देते ना। लेकिन आप पकड़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, में हजारों में नहीं कह रहा ताकि आसानी, क्योंकि हम कहेंगे तो पर चलेंगे पहले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आप देख रहे हैं निगेबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान, स्पेशल प्रोजेक्ट है, स्पेशल आप लोगों को समझाने के लिए। अच्छा जी, इब्तदाइया पहले करते हैं। साहिबाल अरुणाबाद बावलनगर मियाँ वाली लोधरा और अमरे खारिया बहावलपुर और फलां 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 ये बावलनगर हरुणाबाद वगैरह में कागजात पुलिस ने छीन लिए गए, बंदों को जिदो कोप किया गया, मारा गया। अमजद न्याजी को पकड़ लिया, एक और उमैर न्याजी जिसको काजी कह रहे थे इसके पर तो इन्हें अदालत लगाओ, वो उसको भी वहाँ पे उसके बाप को भी पकड़ लिया गया, पेपर छीन लिए गए, एक बंदे के से पेपर डीएसपी ने छीने, वो शिकायत करने गए तो अंदर बैठा चाह दे सूटे पहला भाई। अच्छा जी, चाय पी रहा था बुखारी साहब, माफ़ी चाहता, लेकिन पंजाब में रहें तो फिर वो चलता रहता। इसमें बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं और भी हैं, ये तो मोटे मोटे थे ना, चीदा चीदा गैर चीदा चीदा भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक वाक्य आपको बताएंगे, आपको समझ आ जाए। आपको पता था मैंने एक पटवारी के गाँव शरीफ पे गोली मारी थी तो 2 सुराख हो गए थे, एक ऊपर से बन के आया था, एक मैंने बना दिया तो 2 गाँव शरीफें होगी, 2 गाँवों वाला। उसके बाद सुलह हुई तो फिर हमने को पैसे दिए कि यूनियन के चौधरी रशीद गुज्जर को पैसे दिए थे 50,000, सस्ते ज़माने में 1998 में 50,000 की वैल्यू देख लो क्या थी। तो फिर हमारी सुलह हो गई तो फिर बड़े तालुकात बहुत दोस्ताना हो गए, तो फिर हर तरह का ये जड़ा ना बहुत याराना हो गया था उनके साथ। यूनियन वाले एलडीए की यूनियन बहुत बहुत हैवी होती है, बहुत हैवी होती है, बड़े आराम से आ जाता है यूनियन को, सिर्फ अफसरों की बात नहीं कर रहा। फिर जब जिस मकान में मैं रह रहा था उसी वजह से गोली मारी थी ना, फिर मैंने कहा यार अगला प्रोजेक्ट शुरू करें, तो मैंने एक कमर्शियल नहीं, मैंने एक छोटा सा प्लाट 3.5 मरले का कॉर्नर प्लाट 687H ब्लॉक सब्जाजार, गूगल या मैप पे करेंगे ना तो आपको नज़र आ जाएगा कॉर्नर वाला। मेरे से पीछे गली बंद हो जाती थी, एक घर था, तो वहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि पीछे मेरे साथ एलडीए की यूनियन थी, मैं पूरे चढ़ा था, बस जैसे ट्रांसफ़र के प्रोसेस शुरू हुआ तो मैंने पटाइयाँ शुरू करा दी, बेसमेंट बना दिया। जब तक बेसमेंट का लेंटर बना तो मुझे ट्रांसफ़र लेटर नहीं आया था। अच्छा जी, उसके ऊपर चढ़ाई शुरू हो गई, महीना लगा ट्रांसफ़र लेटर आते आते। उससे पहले मैं वापडा में राय असगर था, लैंड सुपरटेंडेंट था, बाद में एसडीओ भी बन गया, ननकाने का रहने वाला था। पुरपुर तो हमको मिल ही जाते हैं ना, पहियों के साथ तो पुरपुर आप ही मिल जाता। उसको मैं कह रहा है साहब मीटर लगाना है जी, लग जाएगा जी, किन्ने का, 3500 रुपये का, 1000 मेरा। तो मैं कह कदों, हफ्ते के बिच बिच लग जाएगा। तो मैं कह जे अजय लगवाना हो तो कहते 1000 उत्ते होर कर लिया, तो 200 उन्होंने दे दी जरा लटकान आएगा। वो ऊपर से 4500-4700 दिया तो मीटर मेरे करके पर प्लाट के ऊपर लटक गया।
एक बात। फिर इसी तरह पानी की ज़रूरत थी तो मैं उधर गया, पहले से पूछा जो टोया पुटने वाले से, उसने कुछ और बताया रेट, उससे ज़रा से ऊपर गया मीटर रीडर से पूछा। अखीर पे मैंने देखा यार ये गवर्नमेंट अफसर को चाहे चपड़ासी हो तो चाहे चीफ जस्टिस हो पाकिस्तान हो, पैसे दे के इनसे लेना बड़ा मुश्किल होता है। लिए हैं अल्लाह के फजल से, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। 10 रुपए की खातर 20 लगाने पड़ जाते हैं। वहाँ मैंने एक ओवरसीयर देखा, जाना ना ये इसी से मुतलका है, ओवरसीयर देखा तो अपनी बेटी स्कूल से बच्ची छोटी से लेके आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ओह बेटी पास चला, अच्छा अच्छा, चूमा चाटा, उसको 100 का नोट मारा, पहला स्टेप सस्ते 1998 की बात कर रहा हूँ। जी सर जना, पछाणिया नहीं तो मैं कि पछाणा की हुंदा, कायदे आज़म तो मैं, तुसी भाई भाई पानी का कनेक्शन लवाना है जी? अच्छा जी, ओहो यार अजकल तो बड़ी सख्ती हुई ये वो वगैरह वगैरह, सख्ती का दी हुई पानी तो थे करबला च आ गए। फिर उसने कहा जी इतने लगेंगे फीस, मैं कहा थोड़ी फीस पा के मेरी भी चलो 1000-2000 पा लो, मैं कह लो पढ़ो 2500 दिया। फीस के अलावा चलान उसने जमा कराना था, तो जना बेले दिलेरी तो माड़ू कोसा था, एक तपा पढ़ना था ना तो बस अजीब सा ही बन जाना था उसका। मार्को से मुराद के शरीफ था, बॉडी बूडी ठीक बनी थी, लेकिन पता लग जाता हमें इसी फील्ड के जो हैं। घर गए तो शाम को साइकिल पे एक बंदा आ गया जी, कितने लाना जी नलका थोड़ा? उसके पास चेट थे ही लपेटी, उसके कहे 200 रुपये नलका लवाई बकरी दे देना, गरीब बंदा हैगा तो रोटी शोटी भी खवा देना। मैं कहा अच्छा ठीक है, मैं कहा जी फिर समान, कहता समान लिखाओ जी, वो लिखाना शुरू किया तो मैं कह जा ला पड़ जा, जा आप ही ले आया। वो एक यूँ टूटी ऊपर जो खड़ा होता फिर आगे टूटी तो फिर वाल तो पिली हो ले, उसने 100-200 की दिहाड़ी लगाई होगी, उसी दिन सेम डे नलका लग गया। अच्छा जी, उसको 200 मारा, फिर रोटी भी का खर्चा पानी ये वो वगैरह वगैरह दे दिया। ये भी आप जाना ना इसी से मुतलका है, किसी पास जाना ना, गैस होता तो वो भी मैंने लगवा लेना था, लेकिन गैस की पॉलिसी थी 1 साल बाद लगना। बिल्डिंग बननी शुरू हो गई, बन गई, लेंटर पे आ गया, ममटी भी बन गई गैर कानूनी तौर पे, तमाम कुल्लो हम बिल्डिंग गैर कानूनी तौर पे थी। फिर जब आता रहा रेजिडेंशियल के ऊपर, मैंने कमर्शियल बना दिया, 4 दुकानें भी निकाल दी, पीछे से रास्ता ऊपर का भी बना दिया, खुडी में लूटी डाल दी, चलता रहा। फिर यहीं नहीं रुका, क्योंकि LDA का वो यूनियन का सदर मेरा बेली था, मैंने क्या किया, सड़क भी थोड़ी सी बाल ली, वहाँ पर ग्रासी प्लाट बना लिया और बाड़ भी लगा दी यहाँ पे। ये वाले काम जब हाथ पड़ा हुआ होता वगैरह वगैरह, इसी तरह अब आ गया उसके पर। इसी तरह जब PTI की गवर्नमेंट थी तो वहाँ पे कितने मुनीरे नशीरे बशीरे थे, उन्होंने यही काम किए हुए थे इलीगल, कितने साल काम किए थे। अगर फ्रांजक होता तो मैंने बत्ती चोरी की, मीटर तो मंजूर ही नहीं था, वैसे ही लटका दिया था, वो जाके 6-7-8 महीने राय असगर पैसे खा गया था। मैंने फिर नए सिरे से फीस राय असगर को दी, टर्ब के साथ साथ फाइल के साथ चल के बनवाया, मैनू की फ़ायदा होया, मैंने बत्ती चोरी करता रहा वो फ़ायदा होया। अच्छा जी, मैंने दानिस्ता तौर पर नहीं की, तो उसके पैसे दिए ही नहीं। पानी का भी ऐसे ही कि कमर्शियल, तो बत्ती भी कमर्शियल मैंने यूज़ की बिल्डिंग जो बना रहा था, पानी भी कमर्शियल मैंने यूज़ किया बिल्डिंग जो बना रहा था, उसको भी फ्रांसे करते तो वो मीटर तो पता नहीं कब जाके उसने ओवरसीयर ने लगवाया, अल्लाह बेहतर जानता, बिल कोई 1.5 साल बाद ही आया। उतना अरसा जो है ना ये चलता रहा। वो जो थी बिल्डिंग पूरी वो सारी इलीगल थी, पहले तो रेजिडेंशियल का नक्शा पास होना था, मकान रिहायशी मकान का, फिर होना था कमर्शियल कन्वर्शन, उसके भी फीस में मैंने दुकानें किराए पे भी दे दिए। अच्छा, नीचे फटाफट प्लस्तर प्लस्तर करा के चढ़ भी गए, किराया आना भी शुरू हो गया। मैं क्या इनके जूतियाँ इनके सर ही मारूंगा। आस्ता आस्ता चलता रहा, 10 साल लगे उसको कमर्शियल कराते हुए, 10 साल। 2004 में कमर्शियल हुआ, नहीं 2014 में कमर्शियल जाके हुआ,
दस एक साल लगे। अच्छा जी, फिर क्या था, यही कमजोरियां होती हैं। अगर मैं कोई इलेक्शन लड़ता तो मुझे फिर वो नोटिस आना था, बिल्डिंग आनी थी, कुकड़ आना था, डिमोलिश डिपार्टमेंट अलहदा उसने करा देना था, और वगैरह वगैरह वगैरह। ये ऐसे काम होते हैं। पीटीआई नहीं, मुस्लिम लीग भी और पीपल पार्टी भी, मुस्लिम लीग के तो बहुत ज़्यादा करते हैं। ये मैंने एक अपनी ज़ाती मिसाल दी है, ऐसे ही होता है। अब वो पकड़ तकड़ शुरू हो गई है, मन जब पीटीआई के साथ, अगर फर्ज करो महाजद के साथ, उसके नीचे 150 ध्यान कंडक्टर थे ना, तो वो यही मुनीरे वाला काम कर रहे थे। तो इस वजह से भी कमज़ोरी होती है, कमज़ोरियाँ आ जाती हैं। मैंने कहीं मैं लोगों को समझा दूँ, कहीं उस पर ये जाली जुली कोई नहीं होता। पेपर छीन लेना ये गलत बात है, लेकिन जो उनके पर कोई बर्फ़खाना समान डार की फैक्ट्री बंद हो गई, उसी में ये समान डार ने अन्नी नहीं पाई होगी, राज्य की अन्नी पाई होगी, क्योंकि उस वक्त उसको तो डीपीओ शीपीओ सारे आगे पीछे पड़ते थे। और जो बत्ती चोरी, मैंने आपको मिसाल भी बताया था कि ट्यूबें स्ट्रीट लाइट चोरी कर ली वगैरह वगैरह, यहीं पर ऐसे ही मिलते हैं। इसके बाद ये मैंने बताना था कि वो नजायज़ को नहीं जो होता, लेकिन होता नजायज़ किया हुआ तो संभाल के रखे हुए होते हैं। फिर जब फ्रांसिक होता है तो फिर पता लग जाता है। तो बिजली के बिल भी मेरे पे FIR भी है, की है बत्ती चोरी के इसी केस के सिलसिले में। इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। इसके बाद पॉलिटिक्स का तड़का आएगा, वो भी आप देखिएगा। साकम निसार के घर जो बम फटा, उस पर भी जाएंगे। बलोच खवातीन के साथ बहुत जुल्म, ऊपर ठंडा पानी छोड़ देता, उसके ऊपर भी चलाएंगे। अभी यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।